हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है एक और नए फ्रेश व्लॉग में। आज है 29 सितंबर 2021। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और जस्ट मैं अभी सो के उठा था और मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है, तो दिखाता हूँ मैं आपको पार्सल। उस पार्सल में क्या है, जो अपनी एक्सपल्स है उसके लिए कुछ सामान आया है। अपनी जो नेक्स्ट लॉन्ग राइड है वो भी बहुत जल्द होने वाली है, तो आपको उसके बारे में भी अपडेट बहुत जल्द मिल जाएगी। वेलकम इन द मोटो व्लॉगिंग मोड। अभी मैं निकल चुका हूँ घर से और जा रहा हूँ मैकेनिक के पास। देखते हैं अपने घर के आसपास ही कोई मिल जाता है तो। डेट ये है कि जो अपनी नेक्स्ट लॉन्ग राइड है वो बहुत ही जल्द होने वाली है, तो आप बने रहे हो चैनल के साथ, आपको पता लग जाएगा हम नेक्स्ट लॉन्ग राइड पे कहाँ जा रहे हैं। जो राइड है वो होने वाली है पहाड़ों की और उसकी अपडेट भी मैं आपको जल्दी कर ही दूंगा। तो एक बार माइक की क्वालिटी बता देना, माइक में आवाज़ वगैरह सब अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि आज ही सुबह जस्ट मैंने ये माइक चेंज कर दिया अपना, क्योंकि जो पहले वाला माइक था वो ख़राब हो गया था। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। चलो फटाफट से चलते हैं मैकेनिक के पास। तो ये है अपना आयामी का वर्ल्ड्स नंबर वन फार्मूला ट्यूब टायर का गार्ड, या आपका जितने भी ट्यूब वाले टायर होते हैं उनके सबके अंदर यूज़ हो सकता है। तो इस तरह की कुछ पैकेजिंग आती है इसकी। हमें अंदर बॉटल मिलती है इस टाइप की, 500 ml की बॉटल होती है, आधे लीटर की बॉटल होती है। अगर आपके टायर का साइज़ 21 इंचेस से बड़ा है, जैसे कि मेरी एडवेंचर टूरर बाइक है तो इसका जो टायर है वो थोड़ा बड़ा है, तो उसके लिए आप आधा लीटर एक टायर में डाल सकते हो और आधा लीटर आपको दूसरे टायर में डालना पड़ेगा। अगर सो इस किट को इंस्टॉल करते वक्त आपको सबसे पहले जो है अपनी टायर की हवा को निकालना पड़ता है, उसके बाद जो ये इस टाइप का जो आपका जो पाइप है या आपके जो जहाँ से टायर में हवा भरती है आपके, वहाँ से आपको स्लो आपको हल्के हल्के इसको प्रेस करके, और ये जो लिक्विड है ये जैसा आप देख पा रहे हो ये जो भाई हमारी ट्यूब के अंदर जा रहा है, ये तो ये पूरा का पूरा लिक्विड हमें अपनी ट्यूब के अंदर डालना है। तो जैसे ये लिक्विड काम कैसे करता है वो बता देता हूँ। इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। जो आप टायर में हवा भरते हो वहाँ पे जो नलकी होती है उसकी उसको निकालना है और सीधा इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर देना अपने टायर के अंदर। अब ये वर्क कैसे करता है, जैसे ही आपका टायर पंचर होगा और जो ये जो सीलेंट है ये आपके टायर की एयर प्रेशर के साथ जो कील आपकी निकलती है तो ये लिक्विड बाहर आता है, और जो आपका जो ट्यूब वाला टायर है वो एक तरीके से ट्यूबलेस टायर की तरह वर्क करता है। इज़ अ एंटी सॉल्यूशन फॉर योर ट्यूब टायर। अगर आप लॉन्ग राइड करते हो, ट्रिप्स करते हो, तो टायर पंचर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, तो बेस्ट है आपके लिए, लगवा सकते हो इसको। इजी टू इंस्टॉल है, कोई भी लगा सकता है, लोकल मैकेनिक के पास आप इजी इसको लगवा सकते हो। दोनों बॉटल थी वो अपने बाइक के फ्रंट और बैक वाले टायर में इंस्टॉल हो चुकी है, भैया ने इंस्टॉल किया है, भैया ने फटाफट से इसको इंस्टॉल कर दिया। आप किसी भी लोकल मैकेनिक के पास आके जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे लोकल में जो भी एरिया में आपकी मैकेनिक हो आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक यू भैया। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए फ्रेश व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय।